आइए आज प्रासपिके इस कविता का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इसको प्रासपाइस भी कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका प्रासपिके है। यहाँ सी ई का मतलब आप के ई समझिए, क्योंकि ये लैटिन शब्द है। कैसा वर्ड है? लैटिन। लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, तो उसमें सी ई का मतलब यहाँ के है। पी आर ओ एस पी ई, ठीक है, पी पी प्रासपिके, पी आई के ई। तो इसका मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड। प्रासपिके का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? टू लुक फॉरवर्ड मतलब आगे देखो। क्लियर? टू लुक फॉरवर्ड, आगे देखना, ये इसका मीनिंग होता है। अब देखिए, यहाँ आपको बता दे रहे हैं कि ये कविता जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी है। जैसा कि आपको पता है, बुक में रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये कविता है आपके, रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्लियर? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म कब हुआ था, इसको भी जान लें। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है 1812 में पैदा हुए थे और 1889 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जो शादी हुई थी, ठीक है, तो वो जो है एलिजाबेथ बैरेट, ठीक है, एलिजाबेथ बैरेट से हुई थी। इनकी पत्नी का नाम था एलिजाबेथ बैरेट, बी ए डबल आर ई टी, तो एलिजाबेथ बैरेट। और ये भी एक पोएटिस थी। क्या थी? पोएटिस थी ये एलिजाबेथ बैरेट, भी एक पोएट्रिस थी, कवित्री थी। क्लियर? उनसे इन्होंने शादी किया था, और शादी इनकी कब हुई थी? 1856 में शादी हुई थी। क्लियर? मैरिज इनकी कब हुई थी? 1856 में। तो एक यद्यपि जो है लेखक कवि जो है हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, इनके पिताजी शादी के पक्ष में नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि यह शादी हो, लेकिन फिर भी इनकी शादी हुई थी। तो लेकिन यह भी है, दुर्भाग्य की बात है कि 1861 में ही इनकी पत्नी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्लियर? तो इस तरह से ये कविता लिखे हैं। ये भी मतलब कि इसमें अपनी बहादुरी का परिचय देते हैं कि मतलब ये चाहते हैं मौत इनके पास आए, लेकिन उसका ये मतलब एकदम बहादुरी के साथ मरना चाहते हैं, कायरों की तरह नहीं मरना चाहते हैं। क्लियर? मौत से डरते नहीं है कभी, इस बात को बताए हैं, और चाहते हैं कि मर जाएंगे तो हमारी पत्नी से हमारा फिर स्वर्ग में क्या होगा? मिलन होगा। क्लियर? तो इसलिए जो है ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ झेले हैं, लड़ाइयाँ लड़े हैं, लेकिन एक लड़ाई और सही, वो मौत से होगी। क्लियर? क्योंकि उससे हमको जो पुरस्कार मिलेगा, वो जो है अपनी पत्नी से हम मिलेंगे। क्लियर? हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जहाँ हम मैं अपनी पत्नी से पुनर्मिलन कर सकूँगा। क्लियर? इस तरह से ये कुछ बहुत अच्छी लाइनें हैं, इनकी बहादुरी को शो करती हैं। क्लियर? तो खास करके जो एक लाइन जो है ये, आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर, दिस वुड बी द बेस्ट एंड द लास्ट। मैं हमेशा एक योद्धा रहा हूँ, इसलिए एक युद्ध और सही हुआ, सबसे अच्छा और सबसे अंतिम होगा। ये युद्ध ये मौत से लड़ना चाहते हैं। क्लियर? ये प्रोवर्बियल लाइन हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। चलिए देख लेते हैं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, फियर डेथ, फियर डेथ माने क्या होता है? मौत से क्या डरूं, प्रश्नवाचक लगा है। फियर डेथ, मौत से डरूं, मौत से क्या डरूं। क्लियर? लोगों से पूछता है कभी, क्या तुम लोग मौत से डरते हो? यानी कि उसके कहने मतलब मौत से नहीं डरना चाहिए। फियर डेथ, ठीक है, कि मृत्यु से क्या डरूं, मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। क्लियर? तो फियर डेथ, मृत्यु से क्या डरूं। टू फील द फॉग इन माई थ्रोट, कह रहे हैं कि यद्यपि, टू फील द फॉग, फॉग फॉग माने होता है कोहरा होता है ना, कोहरा मतलब यहाँ घुटन होगा। इन माई थ्रोट, थ्रोट माने गला, यद्यपि मैं अपने गले में कोहरा महसूस करता हूँ। क्लियर? कोहरा मतलब घुटन सा महसूस करता हूँ। मृत्यु का जब पास आती है तो गले में आदमी कैसा महसूस करता है? घुटन महसूस। अपने माध्यम से, लोगों के माध्यम से वो सबको बताना चाहते हैं, यद्यपि मैं अपने गले में घुटन महसूस करता हूँ। द मिस्ट इन माई फेस, और मेरे चेहरे पे मिस्ट माने, मिस्ट माने भी होता है अंधेरा छा जाना। क्लियर? और मेरे चेहरे का मतलब क्या? आँखों के सामने। इन माई फेस मतलब मेरी आंखों के सामने, मिस्ट मतलब अधेरा सा। और यद्यपि मैं अपने गले में घुटन महसूस करता हूँ और मेरी आंखों के सामने अधेरा सा छा जाता है। When the snows begin, स्नो माने होता है बर्फ, बिगिन माने शुरू, बर्फ शुरू होना मतलब जब बर्फ के समान ठंडा होना शुरू हो जाता है। क्लियर? जब शरीर बर्फ के समान ठंडा होना शुरू हो जाता है। एंड ब्लास्ट डिनोट, ब्लास्ट डिनोट मतलब कठिनाई से सांस लेना। क्लियर? और कठिनाई से सांस लेना शुरू हो जाता है, मतलब कि ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, ठीक, जब मतलब कि बर्फ
व्हेन द स्नो बिगिंस, जब बर्फ के समान शरीर ठंडा होना शुरू हो जाता है। ब्लास्ट डिनोट, और सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगती है, सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगती है। आई एम नियरिंग द प्लेस, तब मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं मृत्यु के नियरिंग में नहीं पास हूँ। प्लेस माने स्थान, मैं उस स्थान के पास हूँ जहाँ पर मृत्यु है, यानी कि मैं मृत्यु के पास हूँ, मैं मृत्यु के पास आ रहा हूँ, मृत्यु के पास जा रहा हूँ। द पावर ऑफ नाइट, द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, पावर ऑफ द नाइट मतलब रात का अंधकार, यहाँ ठीक है, कहने का मतलब यह है पावर ऑफ नाइट, रात की शक्ति किसको कहा गया, अंधकार को कहा गया, तो मतलब कहने का मतलब यह है मृत्यु के द्वारा जो है अंधकार सा छा जाता है, ठीक है, जब मृत्यु आती है पास तो पावर ऑफ द नाइट मतलब अंधकार सा छा जाता है, यहाँ रात के शक्ति अंधकार को कहा गया, क्लियर, कहने का मतलब मृत्यु के समय अंधकार सा छा जाता है, जब मौत आने वाले रहते हैं आँखों के सामने अंधकार सा छा जाता है। द प्रेस ऑफ स्टार्म, और तूफान, स्टार माने तूफान, तूफान मतलब मृत्यु रूपी तूफान, प्रेस माने दबाव, और मृत्यु रूपी तूफान क्या दबाव डालता है व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति को दबाता है। द पोस्ट ऑफ द फो, पोस्ट माने होगा यहाँ स्थान होगा, फो माने होता है शत्रु, शत्रु मतलब मृत्यु रूपी शत्रु, और उस ठीक है मृत्यु रूपी शत्रु उस स्थान पर, वेयर ही स्टैंड, जहाँ पर वह खड़ा है, कहने मतलब जहाँ पर वह खड़ा है, बता रहे कि हम जहाँ पर खड़े रहते हैं वहाँ पर उस स्थान पर जो है मृत्यु आ जाती है। द आर्क फियर इन विजिबल फॉर्म, आर्क फियर मतलब यहाँ भी आर्क फियर माने होता है, आर्क फियर माने होता है मृत्यु, मृत्यु के लिए लगा, ये बड़े से वर्ड भी है, मृत्यु को सिम्बलाइज कर रहा है। आर्क फियर इन विजिबल फॉर्म मतलब अस्पष्ट, विजिबल फॉर्म माने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना, ठीक है, विजिबल माने दिखाई पड़ने वाले, फॉर्म रूप, तो मृत्यु का भय जो है स्पष्ट रूप से वहाँ दिखाई पड़ता रहता है, क्लियर। वेयर ही स्टैंड द आर्क फियर इज ए विजिबल फॉर्म, मतलब कह रहे हैं मतलब जहाँ पर वह खड़ा है वहाँ पर मृत्यु भी जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, स्पष्ट रूप में वहाँ पर मृत्यु खड़ी रहती है। एट द स्टार स्ट्रांग मैन मस्ट गो, कह रहे कि एट द स्टार मैन मतलब व्यक्ति चाहे जितना शक्तिशाली हो मस्ट गो, फिर भी उसे अवश्य ही जाना है, अवश्य जाना है मतलब उसकी एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। फॉर जर्नी इज डन, क्योंकि जब यात्रा, जर्नी मतलब यात्रा का मतलब यहाँ जीवन रूपी यात्रा, इज डन माने समाप्त हो जाती है, इज फिनिश्ड, क्योंकि जब जीवन यात्रा पूरी हो जाती है। एंड द समिट अटेंड, समिट माने होता है मृत्यु के, अटेंड माने प्राप्ति, समिट माने चरम सीमा, वो चोटी होता है ना, चोटी प्राप्ति का मतलब क्या मृत्यु की प्राप्ति है, तो जब क्योंकि जब जीवन यात्रा पूरे हो जाती है तब मृत्यु की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, क्लियर। समिट मतलब यहाँ मृत्यु से रिलेटेड है, चरम सीमा अर्थात मृत्यु, अटेंड मीन्स प्राप्ति, तब जब जीवन यात्रा पूरी हो जाती है तब मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। एंड द बैरियर्स फॉल, बैरियर्स माने क्या होता है बाधाएं, फॉल माने गिर जाना, और सभी बाधाएं गिर जाती हैं, मतलब मृत्यु का मार्ग कहने का मतलब ये सभी बाधाओं से मुक्त है, मृत्यु का आ जाएगी तो कोई भी बाधा नहीं आएगी। तो बाधा का वर्ड इसलिए भी यूज़ किए हैं क्योंकि ये पहले शादी करने से इनके पिताजी जो है पक्ष में नहीं थे, क्लियर, तो बाधा आई थी, तो लेकिन कह रहे हैं कि जब मृत्यु ही हो जाएगी तो कोई बाधा, हम मतलब पहले तो मैं अपनी पत्नी से मिलन में बाधा आई थी, शादी नहीं करना चाहते थे मेरे पिताजी, लेकिन अब की बार जब मेरी मृत्यु आ जाएगी तो सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी, मैं सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंच जाऊंगा स्वर्गलोक, क्लियर। तो यही कह रहे हैं कि मृत्यु का मार्ग सभी बाधाओं से मुक्त है, क्योंकि एंड द बैरियर्स फॉल, बाधाएं गिर जाएंगी अर्थात मृत्यु का मार्ग सभी बाधाओं से मुक्त है। दो ए बैटल इज टू फाइट, यद्यपि कि युद्ध इज टू फाइट, लड़ना है, अर्क मतलब बिफोर द गार्डन टू बी गेंड, गार्डन मतलब पारितोषिक यानी इनाम, गेंड माने होता प्राप्त करना, यद्यपि मुझे पुरस्कार प्राप्त होने से पहले एक युद्ध लड़ना है। द रिवार्ड ऑफ ऑल, और वो जो पुरस्कार मिलेगा, रिवार्ड ऑफ ऑल वह उन सभी चीज का क्या होगा, पुरस्कार हो जाएगा, मतलब वही मृत्यु होने पर से पहले जो मैं एक युद्ध लड़ूंगा, जो मुझे पुरस्कार मिलेगा वह सभी चीज़ों का पुरस्कार हो जाएगा, क्लियर। एक युद्ध लड़ना बाकी है, वो कौन सा पुरस्कार, वही पत्नी से मिलन का हो जाएगा, तो वही इनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा, क्लियर। कह रहे हैं कि यहाँ बहुत वीरतापरक लाइनें हैं, आई वॉज एवर ए फाइटर, मैं हमेशा एक योद्धा रहा हूँ, सो वन फाइट मोर, इसलिए एक युद्ध और सही, द बेस्ट एंड द लॉस्ट, यह सबसे अच्छा होगा और सबसे अंतिम युद्ध होगा, क्लियर, मर ही जाएंगे तो क्या युद्ध लड़ेंगे, यही अंतिम युद्ध होगा। आई वुड हेट दैट डेथ, अब ये अपनी इच्छा बता रहे हैं कैसे मरना चाहते हैं। आई वुड हेट, मैं नफरत करता हूँ दैट डेथ, ऐसी मौत से,
बैंडेज, बैंडेज मतलब पट्टी बांधकर, माई आइज कि मेरी आंखों में पट्टी बांध दिया जाए। एंड फोर वियर, फोर वियर मतलब होता है सहन करना होता है, फोर वियर तो मतलब और इस प्रकार से मैं कष्ट को सहन करूं कि एंड बेड मी क्रीप पास्ट, और मृत्यु जो है बेड मी मतलब क्रीप, क्रीप मतलब रेंगना, और मृत्यु जो है रेंगते हुए मेरे पास से होकर गुजर जाए। क्लियर, मैं ऐसे मृत्यु से क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। क्लियर, कैसे मृत्यु से कि मतलब कि मतलब मैं ऐसी मृत्यु से नफरत करता हूँ कि जिसमें किसी व्यक्ति की आंखों में पट्टी बांध दिया जाता है और कहने मतलब उसके उसको मृत्यु के बारे में कोई पूर्व सूचना भी नहीं दिया जाता, पूर्व सूचना दिए भी नहीं उसे मार दिया जाता है और इस प्रकार से वह संसार से क्या होता है, धीरे से चला जाता है। क्लियर, लेकिन लेखक ऐसी मृत्यु से क्या करता है, घृणा करते हैं। नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, लेखक कह रहा नहीं लेट मी टेस्ट, मुझे स्वाद लेने दो द होल ऑफ इट, इसका पूरा, मुझे इसका पूरा स्वाद ले लो, इसका पूरा मतलब मृत्यु के बारे में सभी कष्टों का स्वाद लेने दो। स्वाद लेने का मतलब झेलना, मुझे इसे पूरी तरह से स्वाद लेने दो मतलब झेलने दो, सफ़र करने दो। क्लियर, लेट मी टेस्ट मतलब लेट मी सफ़र, द होल ऑफ इट मतलब द होल सफरिंग्स ऑफ डेथ। क्लियर, मुझे मृत्यु के सभी कष्टों को झेलने दो, मृत्यु होने पर जितना कष्ट आता है उन सभी कष्टों को मुझे क्या करने दो, झेलने दो। फेयर, ठीक है, फेयर लाइक मतलब माय पीयर्स, पीयर्स मतलब बराबरी के लोगों के था, मतलब जो पीएस मतलब जो मेरे बराबर के योद्धा हों, फेयर लाइक तो उनकी तरह मुझे ठीक है इसका सामना करने दो। द हीरोज ऑफ द ओल्ड, प्राचीन काल के नायकों की तरह। क्लियर, तो करें कि फेयर लाइक माय पीयर्स मतलब मुझे अपने समकक्ष योद्धाओं के समान सामना करने दो। क्लियर, फेयर मतलब यहाँ वीरों की भांति जो है सामना करना, पीएस मतलब बराबर, मुझे अपने बराबर के योद्धाओं के साथ की तरह क्या मृत्यु का सामना करने दो, जैसे जो योद्धा है युद्ध में लड़ते लड़ते मरे हैं वो बहादुर हैं उनकी तरह मुझे सामना करने दो। फेयर लाइक पीएस, मुझे अपने बराबर के, पीएस मतलब बराबर, मुझे अपने बराबर के व्यक्तियों की तरह जो है सामना करने दो मृत्यु का। और करें द हीरोज ऑफ द ओल्ड, जो प्राचीन काल के हीरोज माने नायक मतलब मुझे अपने बराबर के प्राचीन काल के नायकों की तरह जो है मृत्यु का क्या करने दो, सामना करने दो। आगे कह रहे हैं बियर द ब्रंट, बियर द ब्रंट मतलब मृत्यु के प्रहार को सहन करने दो, बियर माने सहन करना, ब्रंट माने प्रहार, इन ए मिनट, मिनट मतलब क्षण, ठीक है, जो मतलब पे ग्लैड, तो कह रहे हैं मृत्यु के प्रहार को मुझे सहन करने दो इन ए मिनट, एक मिनट में ही पे ग्लैड, ठीक है, पे ग्लैड मतलब पे मतलब अनुभव करने दो, ग्लैड माने खुशी से, लाइफ्स एरियस, एरियस माने कष्ट, मुझे एक ही मिनट में ठीक है खुशी से जो है जीवन के कष्ट को क्या का अनुभव करने दो, मुझे एक मिनट में मतलब इन ए मिनट मतलब जो एक मिनट में जो क्षण आता है मृत्यु का, क्लियर, उस क्षण जो जो है को पे अनुभव करने दो, द ग्लैड खुशी से लाइफ सेरियस जीवन के कष्ट, मतलब मुझे ठीक है जीवन के कष्ट के क्षण को खुशी से अनुभव करने दो, मेन अर्थ ये है। क्लियर, जीवन के कष्ट के क्षण को खुशी से खुशी से सहन करने दो। ऑफ पेन, जो दर्द का क्षण होता है उसको सहन करने दो, डार्कनेस अंधकार एंड कोल्ड, ठीक है, कोल्ड मतलब ठंडापन, तो पेन मतलब वही दुख दर्द, डार्कनेस अंधकार एंड कोल्ड, और कोल्ड मतलब ठंडापन, तो कहने का मतलब ये है ऑफ पेन डार्कनेस एंड कोल्ड मतलब ठंडापन तथा अंधकारपूर्ण घंटों का भी अनुभव करने दो। फार सडन, क्योंकि अचानक, द वर्स्ट मैन, द वर्स्ट मतलब सबसे खराब, क्योंकि करें कि जो योद्धा होता है वह अचानक जो है वर्स्ट मतलब सबसे बुरी चीज़ को भी टर्न्स द बेस्ट, सबसे अच्छे में बदल देता है, द ब्रेव माने बहादुर, आगे दिया है सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, करें कि क्योंकि जो बहादुर व्यक्ति होता है वह अचानक जो है सबसे बुरी चीज़ों को भी सबसे अच्छी चीज़ों में क्या करता है, बदल देता है। क्लियर, बहादुर लोग जो होते हैं अपनी बहादुरी के कारण बुरी चीज़ को भी अच्छी चीज़ में बदल सकता है, ठीक, ये चीज़ कह रहे हैं द वर्स्ट टर्न्स टू द बेस्ट टू द ब्रेव, मतलब बहादुर व्यक्ति सबसे बुरी चीज़ को अच्छी चीज़ में बदल सकता है। द ब्लैक माइन्यूट्स, ठीक है, जो ब्लैक मतलब काला, माइन्यूट मतलब क्षण, काले क्षण एट एंड, एंड माने समाप्त हो जाते हैं उस, फिर तब क्या होते हैं काले क्षण जो है क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, काले क्षण मतलब मृत्यु का काला क्षण जो होता है वो क्या होता है बहादुर व्यक्ति के लिए, समाप्त हो जाता है, ठीक है। एंड द एलिमेंट्स रेज,
एलिमेंट्स, एलिमेंट्स रेज मतलब तूफान भरी हवा, एलिमेंट्स माने यहाँ तूफान भरी हवा होगा, रेज माने होता क्रोध, और तूफान भरी हवा का क्रोध, द फिंड, फिंड माने होता पिसाच, पिसाच मतलब पिसाच के द्वारा की गई वॉइसेज माने आवाज़ें, फिंड वॉइस, और पिसाच के द्वारा की गई आवाज़ें, दैट रेव, रेव माने होता पागलों की तरह चिल्लाना, जो पागलों की तरह चिल्लाती है, दैट मीन्स जो, तो द फिंड वॉइसेज दैट रेव, तू पिसाच के द्वारा की गई भय से भरी आवाज़ें, वॉइस मतलब भय से भरी आवाज़ें, तूफान के द्वारा, सॉरी फिंड वॉइसेज माने होगा पिसाच के द्वारा की गई भय से भरी आवाज़ें, दैट रेव, जो पागलों की तरह चिल्लाती हैं, ठीक है। सेल ड्विंडल, ड्विंडल माने कम होना, वह कम हो जाएंगी आवाज़ें, सेल ब्लेंड, क्यों कम हो जाएंगी, क्या सेल ब्लेंड, क्योंकि वो मिल जाएंगी, ब्लेंड माने मिलना, मिलना मतलब देवदूतों की ध्वनियों में मिलना, ठीक है, सेल ब्लेंड, ब्लेंड मीन्स देवदूतों की ध्वनियों में मिलना, क्योंकि वो देवदूतों की ध्वनियों में मिल जाएंगी, सेल चेंज, फिर एक परिवर्तन होगा, सेल बिकम फर्स्ट ए पीस, फिर जो है पीस माने शांति, वो बिकम फर्स्ट पीस मतलब वो शांति का रूप बन जाएंगे, आउट ऑफ पेन माने पीड़ा के अतिरिक्त, पीड़ा से बाहर होकर या पीड़ा के अतिरिक्त, क्योंकि वो पीड़ा के अतिरिक्त तो फिर शांति का रूप बन जाएंगे, देन ए लाइट, फिर एक प्रकाश होगा, ठीक है, प्रकाश मतलब आनंद रूपी प्रकाश होगा, फिर एक आनंद रूपी प्रकाश होगा, देन माई ब्रेस्ट, ठीक है, तो ब्रेस्ट, ठीक है, तब फिर मुझे ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब क्या होता है, प्रेम क्या यहाँ होगा, क्लियर, ब्रेस्ट माने हार्ट सीना होता है, तो मतलब यहाँ प्रेम कैसे, फिर मतलब देन दाई ब्रेस्ट, फिर ठीक है, प्रेम क्या, दाई मतलब तुम्हारा, तुम्हारा दर्शन होगा, क्लियर, और मतलब कहने का मतलब इनको प्रेम क्या का, इनके दर्शन होगा, इनकी पत्नी का दर्शन होगा, दाव ओ दाव सोल, ठीक है, तो इसको दूसरे सेंस में भगवान का भी दर्शन होगा, ऐसे भी कह सकते हैं, क्लियर, क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे तो भगवान का दर्शन होगा और इनको अपनी प्रेमिका का भी दर्शन होगा। फिर कह रहे ओ दाउ सोल, अरे तुम्हारी आत्मा, ऑफ माई सोल, मेरी आत्मा को प्रिय है, ठीक है, दाउ सोल, तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा को प्रिय है, क्लियर, तो आई सेल क्लैश विद अगेन, दाई सोल ऑफ माई सोल, तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा को प्रिय है, आई सेल दाई क्लैश दे अगेन, क्लैश माने होता है छाती से चिपकाना, दी माने तुम्हें अगेन मिस दोबारा, मैं दोबारा तुमको अपनी छाती से क्या करूँगा, चिपका लूँगा, मतलब तुम्हारा आलिंगन करूँगा, तुम्हें गले से लगा लूँगा, क्लियर, एंड विद गॉड विद द रेस्ट, एंड विद गॉड, और ईश्वर के साथ भी द रेस्ट, रेस्ट माने आराम, और कहने मतलब ईश्वर के साथ आराम मतलब क्या, और अन्य सभी बातें हम स्वर्ग में भगवान पर छोड़ देंगे, ठीक, ईश्वर के साथ मतलब क्या, अन्य बातें हम सब ईश्वर के साथ छोड़ देंगे, मतलब ईश्वर के ऊपर अन्य सभी बातें हम स्वर्ग में भगवान पर छोड़ देंगे, बी द रेस्ट, और हम लोग आराम से आनंद उठाएंगे, क्लियर, आराम से क्या करेंगे, आराम से आनंद उठाएंगे, ठीक, तो आई होप ये कविता आप सभी को समझ में आ गई होगी, अब लास्ट कविता भी ये फर्स्ट ईयर की एक और बची है, जो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी कल जो है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और ग्रुप में पूरा शेयर कर दीजिए ज़रूरतमंद लोग जो भी हैं, ताकि पढ़ सकें, तभी हमारी मेहनत का उनको फल मिल सके, क्योंकि मेरा टारगेट है सभी बच्चों तक जो है पहुँचना, जो भी तैयारी कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है, या किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ ये कविता है तैयारी कर रहे हैं, सबको बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।